हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी केव आए हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा पाँच का पाठ अठारह जिसका नाम है जाए तो जाए कहाँ तो चलिए आइए बच्चों पर इसका संपूर्ण हल देखते हैं पर्यावरण कक्षा पाँच का पाठ अठारह जाए तो जाए कहाँ पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना है जातिया के गांव छोड़ने का कारण था कारखाना बनना बांध बनना खेल का मैदान बनना और रेलवे स्टेशन बनना तो आप इसका ऑप्शन लिखिए दूसरा वाला राइट पर लगाइए बांध बनना बांध बनने के कारण वो गांव छोड़कर चली गई थी अब अपन देखते हैं वाला नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांव की क्या फ़ायदा होगा कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा कागज़ का, का उत्पादन बढ़ेगा गैस को का उत्पादन बढ़ेगा मतलब नदी पर बांध बनने से उसके आसपास गांव को क्या फ़ायदा होगा आप लगाइए ऑप्शन टू बिजली का उत्पादन बढ़ेगा अब अपन सा वाला देखते हैं जातिया के पर पर्वत कहाँ रहते थे पर, पूर्वज जातिया के पूर्वज कहाँ रहते थे तो आप खेड़ी गांव सिंदूरी मुंबई नवागांव तो आप लिखिए ऑप्शन वन खेड़ी गांव अब दावाला देखिए जातिया जब मुंबई पहुँच पहुँची पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन कौन सा कार्य प्रारंभ किया उसने अपने जीने के लिए क्या क्या किया उताई का कार बड़े का कार मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार बिजली का कार तो आप ऑप्शन थ्री पर राइट लगाइए मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार उसने किया था अपने जीवन यापन चलाने के लिए तो। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सिंदूरी के लोग खेड़ी के लोगों बिना बुलाए मेहमान कहकर मजाक उड़ाते थे दूसरा है इसमें आया बिना बुलाए मेहमान दूसरा है यात्रा खेड़ी गांव में बांध बनने के कारण सिंदूरी गांव आया था तीसरा है यात्रा भाई जमीन और जानवर बेचकर मुंबई आए दूसरे में बांध आएगा तीसरे में जमीन और जानवर आएगा और चौथा वाला देखते हैं खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा इसमें मुसीबतों पर है ठीक है बच्चों आपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर दो है आप बड़े होकर गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में तो उत्तर में आप लिखो गांव में क्योंकि गांव का वातावरण और हवा शुद्ध होती है तीसरा वाला है शहर में आबादी ज़्यादा होती है फिर भी लोग अकेला महसूस करते हैं क्यों क्योंकि शहर के लोग पैसे कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं तो वे एक दूसरे को समय नहीं दे पाते और चौथा वाला प्रश्न देखते हैं अपन आपको गांव छोड़ दूर नहीं जगह जाकर रहना कैसा लगेगा यदि आपको गांव छोड़ना पड़े और दूर नई जगह जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर पाँच खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उत्तर सिंदूरी में प्रत्येक वस्तु पैसों से मिलती थी सिंदूरी में यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टरों से अस्पताल में दिखाना पड़ता था अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी जबकि जालिया जात्या के गांव में जड़ी बूटी से इलाज हो जाता था गाँव का जीवन शहरों से, से किस प्रकार अलग है गाँव का जीवन शांत तो और खुशहाल है शहर का जीवन अशांत तो और दौड़भाग वाला है गाँव का वातावरण हवा और शुद्ध होती है शहर का वातावरण प्रदूषित और हवा जहरीली होती है इस तरीके से काफ़ी अंतर है गाँव और शहर में मैंने यहाँ पर इतना ही लिखा है तो आप इसको इतना ही लिखिए और तो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर सात क्या आपने ऐसे बच्चे को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाते हैं उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है उत्तर हाँ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है उन्हें ऐसा उनके घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण करना पड़ता है आठवां प्रश्न है बच्चे खेड़ी गांव में काम कर रहे थे बच्चे खेड़ी गांव में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे परंतु वे खेड़ी गांव में खुश थे क्यों क्योंकि वे बचपन से गांव में रहे हैं उनको बचपन से गांव में रहे थे उनको गांव पसंद था गांव में शुद्ध वातावरण शुद्ध वायु शांत जीवन था परंतु मुंबई इस सबसे विपरीत या प्रदूषित वातावरण से भरा हुआ था दौड़ भाग की ज़िंदगी थी वहाँ पर इसलिए उनको अपने गांव में बहुत अच्छा लगता था अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर नौ बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटा हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं सोचकर लिखिए बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह करना ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ उनकी पूरी जीवन जीने की व्यवस्था बांध बनाने के व्यवसाय सबसे है वह सब उजड़ जाता है और जीने के लिए नए व्यवसाय और साधन जोड़ना खोजना पड़ता है जो बहुत कठिन कार्य है यहाँ पीडीएफ में कई कई मात्रा की अशुद्धि हो गई है बच्चों प्रश्न नंबर दस है बांध बनाने के फायदे और नुकसान लिखिए। बांध बनाने के फायदे हैं जल संसाधन जल संचयन <coughs> सिंचाई व्यवस्था बिजली उत्पादन बाढ़ नियंत्रण और पानी की गुणवत्ता और नुकसान क्या है पर्यावरण पर प्रभाव जनसंख्या विस्थापन आर्थिक बोझ जोखिम सामाजिक प्रभाव इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दस पूरे होते हैं बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए